अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रीड विथ मी, सॉल्व द फॉलोइंग बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जितने भी नीचे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। अब आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, यस सब्ट्रैक्शन का, माइनस का। तो अब हमने क्या काम करना है, इसके अंदर माइनस करना है, क्लियर है। अब माइनस करने का क्या तरीकेकार है, क्या रूल है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये बात याद रखिएगा, जब हम माइनस का काम करते हैं, अब देखें कि जैसे ऊपर जीरो है, जीरो में से वन नहीं जा सकता, तो हम बोरो करते हैं, ये करते हैं ना। तो अब हम ये बात याद रखेंगे, जब हम किसी बेस सिस्टम में काम करेंगे तो हम जब बोरो करेंगे तो वो बेस हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन था 1101, ये लिखा मैंने और इसके नीचे 11 राइट कर दिया, इतना तो आप लोगों को काम आता है। अब कैसे करेंगे, सिंपल, 1 माइनस 1 जीरो होता है, या लेकिन जीरो में से वन नहीं जाता, जीरो में से वन नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, आपको मिटाकर शुरू कर देती हूँ एक क्वेश्चन में। देखिए अब 1 में से 1 गया, 0 हो गया, ये क्वेश्चन भी मैंने, अब यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने 0 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम 1 राइट नहीं करेंगे, जो बेस हम काम कर रहे हैं 2 है बाइनरी, तो हम वो यहाँ पे राइट करेंगे, क्लियर है। ये बात याद रखनी है, कोई से भी हम सिस्टम पे काम करेंगे, भले वो बेस 5 हो या ऑक्टल सिस्टम हो, जब हम माइनस वाला काम करेंगे, बोरो करेंगे, जब कोई बड़ा ऊपर छोटा नंबर होगा, नीचे बड़ा नंबर होगा, तो हम बोरो करते हैं, बोरो करते वक्त वो बेस हम राइट करेंगे। यहाँ पे बाइनरी पे काम कर रहे हैं तो उसको 1 नहीं देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, जो बेस सिस्टम की बेस है उसी को राइट करेंगे 2, ठीक है। अब 2 माइनस 1 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट ही नहीं, तो सी मेथड इज यहाँ पर ये राइट कर दिया, और यहाँ पे जब बोरो किया तो 1 नहीं लिखा मैंने, जो बेस थी वो लिखी जाएगी, क्लियर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर। आगे मजीद क्वेश्चन है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आगे मजीद क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 9 दिया, आप इसमें देखिए, आप लोग 1 1 0 1 1 बेस 2 माइनस 1 0 1 0 बेस 2। तरीके का आपको पता है कि हम ये वाली साइड ऊपर लिखते, पहले लिखते हैं, माइनस के बाद वाली चीज नीचे आती है, क्लियर है। 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1। अगर मैं इस तरह नंबर ले लूँ, एक नंबर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ, मैंने ले लिया 1 1 या 1 1 और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1 माइनस, ठीक है। अब 1 में से 0 हो गया, 1 हो गया, लेकिन 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें बोरो करना पड़ेगा, और बोरो यहाँ पे 1 है, वन को काटे मैंने 0 किया। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पे जो बेस है वो लिखूंगी 2, सही, तो 2 माइनस 1 1 के इक्वल हो गया, इट इज क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 और 1 मैंने आपको बी सेक्शन में से करवाया, मेन क्वेश्चन में से इसी तरह काम करना है, जिस तरह पैटर्न हमने ऑड नंबर का रखा हुआ है, ऑड नंबर को सिलेक्ट करना है हम लोगों ने, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसमें से आपके पास 1 9 9 मैंने आपको करवा दिया, 3 5 7 आपके होमवर्क होंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें भी हमने ऑड पार्ट पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रही हूँ, 3 आपको होमवर्क होगा, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीड विथ मी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट की फॉर्म में है इधर काम ना, हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है और दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो रही है। जब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है बोर्ड मास रूल है, तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ठीक है, जो काम हो रहा है ऑपरेशन हम वो काम करेंगे, देन लास्ट में जो बीच में ऑपरेशन है उस पर अप्लाई करेंगे, सही है। तो सब्ट्रैक्शन वाली चीज आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, मैं इस पर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। नाउ वी ऐड फर्स्ट दिस ब्रैकेट, तो देखिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया, यहाँ पर 4 टाइम्स 1 था और 101 101, ठीक है। अब इसमें तो एडिशन हो रही है, तो आप एडिशन वाला काम हम पहले कर चुके हैं, तो 1 प्लस 1, ठीक है, डेसिमल का 2 हुआ और 2 बाइनरी के किसके इक्वल होता है 1 0 के। चार्ट आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, 1 ऊपर और 0 नीचे। नाउ 1 प्लस 1 अगेन 2 और डेसिमल का 2 बाइनरी में 1 0 के इक्वल होता है, तो 1 0, क्लियर है।
नाउ 1 + 1 + 1 3 होता है और डेसिमल का 3 बाइनरी में 1 1 के इक्वल होता है 1 और 1 सही बेटा. नाउ 1 + 1 2 वही सेम चीज 1 0 आ गया. क्लियर है यहां तक. अब हमने सबट्रैक्शन करनी है. सबट्रैक्शन में मैं दोबारा यहां आपको एक स्टेप दोबारा करके बता रही हूं. डबल 1 और एक एक सेपरेट डिजिट कितना है ताकि आपको क्लियर हो हर चीज. सही. अब मैं आपको सबट्रैक्शन करते हुए दिखा देती हूं. हमने क्या काम करना है इसके अंदर. यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे भी 0 है. अब 0 में से 1 नहीं जा सकता. अब मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा तो मैंने इसको काट के 0 कर दिया. ठीक. नाउ अब इधर मैं क्या लिखूंगी शाबाश. यस 2 लिखूंगी 1 नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं बेस 2 में काम कर रही हूँ तो मैंने 2 राइट करना है. ठीक है. अब 2 में से 1 अगेन यहाँ पे देना है मैंने, मतलब इसको काट के यहाँ पे देना है तो मैं इसको काट के 1 कर दूंगी यहाँ पर. और यहाँ पे क्या देगा अगेन 2 क्योंकि मैंने बोरो किया है यहाँ पर भी तो बोरो करते वक्त बेस 2 पे काम कर रही हूँ तो मैं 2 राइट करूंगी इधर. सही है स्टूडेंट्स. 2 - 1 1. अब 1 - 0 1 0 माइनस. अब इसमें भी देखे नहीं जा सकता ना 1 तो हम क्या करेंगे इसको 0 कर देंगे. और क्या राइट करूंगी मैं यस 2 क्योंकि अब इसमें काम कर रही हूँ बेस 2 में काम कर रही हूँ तो 2 - 1 1. इट इज क्लियर. ठीक है. नाउ अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन 1 का नाम दिया था. क्यों? क्योंकि 2 टाइम सॉल्यूशन आ रही है. 2 ब्रैकेट बने हुए थे तो पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जिसमें एडिशन हो रही थी. दूसरा ब्रैकेट सॉल्व किया जिसमें सबट्रैक्शन हो रही थी. अब अगेन इसमें क्या काम करना है मैंने सबट्रैक्शन करनी है. तो एक अच्छा मेथड हो जाता है. आपने क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब हम क्या लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स. अब जो उसका रिजल्ट था वो राइट कर दिया माइनस ही साइन. और जो उसका रिजल्ट था वो राइट कर दिया. क्लियर है. फिर इन दोनों में भी क्या हो रही है सबट्रैक्शन हो रही है. सही. मैं यहाँ पे भी आपको देखिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब इसमें भी मैं आपको राइट करके बता दे रही हूँ सही ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में. अब हमने क्या करना है यहाँ पे 0 0 1 0 1. क्लियर है. ये मैंने ये वाला ब्रैकेट राइट किया देन माइनस के साइन ये वाला ब्रैकेट राइट कर दिया. क्लियर है. अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो हम क्या काम करेंगे बोरो करेंगे. इधर भी 0 इधर से भी नहीं ले सकते हम यहाँ से लेंगे तो मैंने इसको 0 किया. बताया यहाँ पर क्या होगा शाबाश. क्या होगा यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग. अब 2 में से भी कर दे रहे मैंने तो इसको 1 किया और यहाँ पे 2 अगेन राइट कर दिया तो 2 - 1 1 1 - 1 0. अब 0 में से अगेन 1 नहीं जा सकता तो हम अब यहाँ पे 0 यहाँ से तो नहीं ले सकते हम यहाँ से लेंगे. इसको 0 करेंगे ये क्या हो जाएगा 2 और इसको 1 करने के बाद यहाँ पे 2 कर देंगे. सही है. तो 2 - 1 1. क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो इसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब इसका हैंस मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स ये आपका हैंड से आपने क्वेश्चन राइट कर देना है पूरा एज इट इज और इज इक्वल्स टू उसका आंसर. नाउ अब आपका होमवर्क देख लेते हैं क्या है होमवर्क. क्वेश्चन बी का 3, 5, 7 एंड क्वेश्चन सी का थर्ड पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है. सही है. आपको मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास और पार्ट मैं दबा रही हूँ टेस्ट में पेपर में आपके इवन पार्ट्स आ सकते हैं तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को जहन में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि मैथ्स में कोई चीज़ याद करने की नहीं होती सिर्फ प्रैक्टिस का काम होता है. इसलिए नीड्स प्रैक्टिस. तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए. ठीक है. वमा अलैना इल्लल बलाग.